नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। सीरिया में आए भूकंप पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। आज भी नहीं चल सकी लोकसभा, सदन की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली में तीसरी बार मेयर चुनाव रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है आप। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा, नहीं शुरू हो सकी कार्यवाही। तुर्की में भूकंप से अब तक 16 इमारतें गिरी, भूकंप की तीव्रता 7.8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे उद्घाटन। चिली के जंगलों में भीषण आग, अब तक 24 लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घायल। हिमाचल की एवलांच के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन रुका, अब तक 2 लोगों की मौत। और शाहरुख खान की फिल्म पठान बनेगी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म।